छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली पांच सबसे बड़ी भर्ती खुशखबरी जी हां, आप सभी को बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली है आप सभी के लिए जो है पांच सबसे बड़ी भर्ती, और ये आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जी हां, और ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ 2024 आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में 2024 इसी साल में एक के बाद एक आप सभी के लिए नई नई भर्तियां, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई पोस्ट जो है आप सभी के लिए निकल कर आने वाला है जी हाँ। जितना आप लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा, जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भर्ती, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वैकेंसीज, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पोस्ट आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाले हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तैयारियों के ऊपर ध्यान दो। अगर हम बात करें व्यापम में सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में जी हाँ, तो 33,000 जो है पोस्ट जो है आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है होने वाली है जी हाँ। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती है, 33,000 जो है टीचर्स के पोस्ट, 33,000 टीचर्स के वैकेंसीज, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। अगर इस टाइम अगर आपने अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर लिया, इस टाइम अगर आपने अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लिया, तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली है कि पॉसिबल है, आपका सिलेक्शन जो है फिर हो पाएगा। और 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जी हाँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए जी हाँ। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अलावा आपका जो है बीएड होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन के बाद जो है किए जाते हैं, 2 साल का बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपका डीएलएड होना चाहिए, और साथ में आपका जो है टेट एग्जाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट का मतलब छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा जी हाँ। तो आप सभी स्टूडेंट का जो है सीजी टेट एग्जाम भी क्वालिफाइड जो है होना चाहिए, और ये भी आप सभी के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी हाँ। और ये भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो व्यापम में जितने भी भर्तियां हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहता हूँ एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में, एडीओ के पोस्ट के बारे में जी हाँ। आप सभी के लिए एडीओ भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए 250 पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं जी हाँ। तो ये बिल्कुल मत सोचोगे 250 पोस्ट है, 250 पोस्ट में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, 4 लाख कैंडिडेट्स होंगे तो उनका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कहाँ से क्वालिफाई हो पाएगा, हम एग्जाम्स को कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसे बहुत से बातें जो है जो सभी स्टूडेंट जो है सोचते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर, आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर ही ध्यान देना है जी हाँ। जितना ज्यादा आप अपना काम के ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो पाएगा। और जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम में 2024 में आप सभी के लिए पांच सबसे बड़ी भर्ती, और ये पांच सबसे बड़ी भर्तियां काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पांच सबसे बड़ी भर्ती, आप सभी के लिए पांच सबसे बड़ी वैकेंसीज काफी महत्वपूर्ण है जी हाँ। और रेडियो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जी हाँ। आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन से स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप आराम से छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एडीओ के 250 पोस्ट काफी महत्वपूर्ण है, 150 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जी हाँ, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके, आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके आपको निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग से बच कर रहने, क्योंकि काफी स्टूडेंट होते हैं जो माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग की वजह से उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है,
किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। इसके अलावा आप सभी के लिए एसआई भर्ती परीक्षा भी होने वाली है। जी हाँ, एसआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है। एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 में आप लोगों के लिए आने वाली है। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप 12वीं पास आउट हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आप आराम से इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। और एसआई भर्ती परीक्षा में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका फिजिकल। जितना ज़्यादा फिजिकल एग्जाम्स में अच्छे से नंबर लाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम जो है रिटर्न एग्जाम में प्री और मेंस में आपका अच्छे से नंबर आ पाएगा। और जब तक आपका फिजिकल एग्जाम जो है क्लियर नहीं होगा, फिजिकल जो है क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आपका जॉब नहीं लगेगा, तब तक आपका आपका एग्जाम जो है फिर क्वालिफाई जो है नहीं होने वाला। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली ये 5 सबसे बड़ी भर्ती है। ये 5 सबसे बड़ी पोस्ट आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट्स हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र हैं, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के लिए निकाले जाते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। इसके अलावा आप सभी के लिए जो है आरआई के पोस्ट भी होने वाला है। जी हाँ, जिनको नहीं पता आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा भी आप सभी के लिए होने वाली है। जी हाँ, राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल पाते हैं। तो 198 पदों पर आप सभी के लिए जो है आर आई राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 होने वाली है। तो आप जो है आर आई पोस्ट के लिए भी मेहनत कर सकते हैं, आप आर आई पोस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप आर आई पोस्ट के लिए भी हार्ड वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप कोशिशें करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज्यादा बेहतर हो पाएगा, दिन वेस्ट होने वाला है। तो कभी भी आपको कोशिशें करना, कभी भी आपको मेहनत करना, प्रिपरेशन करना आपको नहीं छोड़ना। आज अगर आपने अच्छे से मेहनत करना सीख लिया, आज अगर आपने अच्छे से कोशिश करना सीख लिया, तो यही कोशिश आपको आने वाले टाइम में फिर कामयाबियां दिलाएगी, यही कोशिश आपको आने वाले टाइम में फिर सक्सेस दिलाएगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश हमेशा जो है आपको करते रहना होगा। और इसके अलावा भी आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट और सहकारिता विभाग में भी भर्तियां निकल कर आने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए 2024 की सबसे बड़ी भर्ती है, अपकमिंग वैकेंसीज हैं, अपकमिंग पोस्ट हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि मेहनत करो, कोशिश करो, आने वाला टाइम जो है आप सभी के लिए बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। जी हाँ, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो लाइक कीजिए। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों तक वीडियोस उतना ही पहुंच पाएगा।